11 तारीख को होने वाले लोकसभा चुनाव में बागपत सीट काफ़ी चर्चित है, जिसमें चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी जी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बागपत लोकसभा में 5 सीटें आती हैं, जिसमें सिवालखास सीट मेरठ जिले से है, जिसमें करीब 3,10,000 वोट आते हैं। मोदी नगर सीट जो है गाजियाबाद जिले से आती है, जिसमें 3,22,000 के करीब वोट हैं। और दूसरी जो तीसरी सीट है बागपत, चौथी है बड़ौद और पांचवी है छपरौली, ये तीनों बागपत ज़िले में आती हैं। तो ये 3 ज़िलों को मिला करके एक लोकसभा बनी है, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत, 3 ज़िलों को मिला करके एक लोकसभा बनी है। इसका जो समीकरण है, उसको अगर देखा जाए और गठबंधन के जो वोट मिले हैं 2014 में, उनको अगर देखा जाए तो अब की बार यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार जो गठबंधन की तरफ से मैदान में हैं, उनके फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है। वैसे तो सत्यपाल सिंह जो सिटिंग एमपी हैं, वो भी उनके सजाती बिरादरी से हैं। एक समय ऐसा था कि ये चौधरी अजीत सिंह के मुकाबले तीसरे नंबर पर थे। पिछली मोदी लहर में 2014 में इन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी को हराया था। इस बार चौधरी चरण सिंह जी के पोते और चौधरी अजीत सिंह जी के सुपुत्र गठबंधन की तरफ से मैदान में हैं। और समीकरण उनके काफ़ी फेवर में जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख मुस्लिम समाज के मतदाता हैं, लगभग 4 लाख जाट समाज के मतदाता हैं, इसीलिए इस सीट को जाट लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 1.5 लाख के करीब अनुसूचित जाति के भी मतदाता हैं, लगभग 50,000 के करीब यादव मतदाता भी हैं, इसमें 1.25 लाख के करीब ब्राह्मण और त्यागी समाज के इसमें मतदाता हैं। इसके अलावा गुर्जर समाज, कश्यप समाज, सैनी और कोली समाज के मतदाता भी लगभग इतने ही होंगे, 1.25 के करीब। तो इनको सबको अगर मिला दिया जाए और 4 लाख वोट जिस पर जयंत चौधरी जी की और सत्यपाल सिंह दोनों की दावेदारी है, देखना होगा कि ये इसमें जो जाट वोट है उसमें कितना परसेंट वोट का विभाजन होगा।
वैसे इस बार ग्राउंड रिपोर्ट बागपत की बताती है कि लगभग 70% मतदाता जो जाट मतदाता हैं वो जैन चौधरी जी को वोट कर रहे हैं और 30% जाट मतदाता जो है सत्यपाल जी को वोट कर रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरे जैसे ब्राह्मण और त्यागी सैनी और कोली कश्यप इनमें से भी वोटों का विभाजन होगा। इसमें बड़ा हिस्सा जो है सत्यपाल सिंह को जाएगा और इसमें से 30% जो हिस्सा है वो जयंत चौधरी जी को जाएगा। इस तरह से यहाँ लगभग 16 लाख मतदाता हैं जिसमें से अगर 60-70% मतदान होता है तो काफ़ी बड़ा भाग मतदाताओं का जयंत चौधरी जी जो लोकदल के प्रत्याशी हैं उनके फेवर में जा सकता है। अगर हम 2014 के चुनाव पे जो मोदी लहर का चुनाव था जिसमें सत्यपाल सिंह जी पहली बार उधर से जीते थे उनका दोहरा पाना इस समय बड़ा मुश्किल है क्योंकि अकेले ही जब लोकदल से लड़े थे तो अजीत सिंह जी ने उनको हरा चुके हैं और इस बार तो वो गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं। अगर हम पिछले लहर में जो मोदी लहर थी जो सबसे वीक मतलब इसका रिजल्ट था गठबंधन के प्रत्याशियों का अगर उनके रिजल्ट को जोड़ लें गठबंधन का तो हमें एक मोटा मोटा एक अंदाज लग जाएगा कौन जीतेगा। तो सत्यपाल सिंह जी की हम बात करें तो उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 4,23,000 वोट पाए थे और जो उनके खिलाफ इस बार लड़ रहे हैं दल जिनका गठबंधन है समाजवादी पार्टी ने 2,13,000 वोट पाए थे। राष्ट्रीय लोकदल से अजीत सिंह जी लड़ रहे थे उन्होंने 1,99,000 वोट पाए थे और बीएसपी का जो कैंडिडेट था उसने 1,41,000 वोट पाए थे। अगर तीनों के वोट को जोड़ दें जो गठबंधन का वोट है 2014 का तो 5,43,000 बैठता है। तो 5,43,000 तो 4,23,000 के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है और अगर उसमें से प्लस माइनस नहीं भी हो कोई वोट तब भी बहुत आसानी से जयंत चौधरी इस बार जीत रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस सीट पर काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि बागपत की सीट जयंत चौधरी जी के फेवर में जा सकती है। वैसे तो चाहे कितना भी हो चुनाव तो चुनाव ही है लेकिन जब तक चुनाव खुल नहीं जाए मशीनें ठीक ठाक काम करें इसके ऊपर भी काफ़ी निर्भर करता है। जैसा कि हमारे जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो कयास लगा रहे हैं कि जो उनकी चुनाव में जो वीवीपैट है पर्ची है वो 50% बूथों पर गिनी जानी चाहिए थी लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने ये बात मान ली है सुप्रीम कोर्ट ने जैसा निर्देश दिया है कि हर विधानसभा में कम से कम 5 बूथों की पर्चियां गिनी जाएंगी रैंडमली गिनी जाएंगी कोई भी औचक मतलब कोई भी उसको चुन सकते हैं किस किस पर गिननी है एक तरफ से 5 की नहीं बल्कि औसत और किसी की। लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियों ने ये पुनर्विचार याचिका फिर से सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है कि 50% ही रखा जाए या फिर उसकी संख्या बढ़ाई जाए। इसमें परिवर्तन भी हो सकता है मुझे लग रहा है अभी ज़्यादा भी गिनी जा सकती हैं लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है। तो ये तो जैसे जो आंकड़े बता रहे हैं जिसके बारे में हम आज विश्लेषण कर रहे हैं ये आंकड़े तो जीतते हुए बता रहे हैं और लेकिन उसके बाद भी अगर मतलब इनके फेवर में नहीं जाता रिजल्ट तो ये निश्चित ही शंका पैदा होती है दिमाग में कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं मशीनों में गड़बड़ी है। इसी वजह से पहले भी लोगों ने शंका उत्पन्न करी थी
तो इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ये बड़ा आर पार का चुनाव है और ये आगे आने वाला भविष्य तय करेगा लोकतंत्र का कि लोकतंत्र बचता है, और उसके लिए ये बागपत की सीट जो है बड़ी अहम है। और इसका जो आपको असली नतीजा है वो 23 तारीख को पता लग जाएगा। उम्मीद है कि इलेक्शन जो है मशीनरी इलेक्शन की चुनाव आयोग सही काम करेगा और मुस्तैदी के साथ में ये मैदान में सभी लोग डटे रहेंगे। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।